原本是同意。ఇలా ఉన్నారు మరి మీరేంటిది జాయింట్ కలెక్టర్ सिलसिले में सिटी के डिप्टी सी एम अहमद अली साहब और एम एल एस और चेयरमैन पुलिस ऑफिसर्स वाटर वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी म्यूनसिपल आज खासकर और दूसरा मस्जिद के अतराफ लाइटिंग अच्छा करना और दूसरा इफ्तार के टाइम पे हर रोज सैनिटेशन एक्टिविटीज पूरी तरह से करना ईद का और वहाँ स्पेशल क्लिनिक एक्टिविटीज करना सिटी में शॉपिंग क्लोज खुला कचरा वो सब क्लीन करने का एक इमरजेंसी स्क्वाड रख के वो इमरजेंसी काम एक्टिविटीज करने के लिए इमरजेंसी स्क्वाड रखना हलीम के जो सेंटर्स है वहाँ क्वालिटी चेक करके सही तरह से पब्लिक को सही सप्लाई हो रहा नहीं हो रहा देखना ड्रेनेज के पास रेती और कचरा जो भी है उसको क्लीन करना जे एच एम सी साउथ जोन सरदार महल में ऑल डिपार्टमेंट्स को मिला के एक कंट्रोल रूम को कायम करना और जो मिलावट चीज़ें हैं उसके ऊपर निगाह रख के उसको ठीक तरह से देखने के लिए के पब्लिक के ऑर्डर्स को सभी तरह से मेंटेन करना चाहिए और कमिश्नर आर्मी और उसके लिए पीस के लिए कोशिश करना ट्रैफिक ईद उल फितर ईदगाह के तरफ और रमजान के मास में जो भी हर जगह ट्रैफिक को जो भी दिक्कतें नहीं हो जैसा जंक्शनों पे ट्रैफिक पे रमजान के महीने में और दूसरे मस्जिदों के पास और जितना और जरूरत है वैसा मोबाइल ट्रांसफार्म अरेंजमेंट करना रमजान के टाइम पे ओल्ड सिटी में 500 केवी और ट्रांसफर 25 और तैयार रखना हर जोन पे और पानी का सप्लाई में और लोड शेडिंग और ट्रांसको के तरफ से करंट नहीं गए जैसा देखना और रोड साइड बिल्डिंग और 16 के अंदर जो है मक्का मस्जिद रायल मस्जिद और दूसरे मस्जिदों के सिविल वर्क पूरा काम करना मक्का मस्जिद रायल मस्जिद और दूसरे मस्जिदों के वाइट शॉपिंग वाइट वॉश मक्का मस्जिद रायल मस्जिद और वाट 16 वर्क सर सो 17.88 लाख नॉर्थ जोन में 4 वर्क सर 2.97 लाख सो ये पूरे वर्क्स ऑलरेडी वी हैव टेकन अप सर एंड देन दिस इज द एस्टिमेटेड अमाउंट एंड ऑलरेडी अप्रूव्ड अमाउंट आल्सो सर लेट अस बी कम ऑलरेडी
ऑलरेडी टेंडर भी मतलब बुला के पूरा कंप्लीट हो गया है सर, सो वर्क्स वी आर टेकिंग अप दिस वर्क्स। वोट सिटी के स्टेट में आप लोग एक्टिव रहना है, क्योंकि केसीआर साहब एक हरके भी हमारे चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि केसीआर साहब इतने सेक्युलर चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पर इमाम मौजन को और हमारे हमारे मस्जिदों के लिए, दरगाह के लिए, ईदगाह के कपड़ों के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए जो ना जो पैसा जो इशू कर रहे हैं, आज तक कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं करी इंडिया में जो केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आज भी केसीआर साहब को जो ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कल्चर से वाकिफ है केसीआर साहब, और ये रमजान की मीटिंग का भी जो ना ये लेने के बाद भी जो ना केसीआर साहब भी जो है पूरे ऑफिसरों को इंस्ट्रक्शन पर्सनल देते हैं, क्योंकि ये नहीं कि अभी मीटिंग हो गई ऐसा नहीं है, केसीआर साहब पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो ना हर ऑफिसर को जो ना इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पूरे स्टेट में जो ना हर तरीके से काम अच्छा होना है, पूरा पीसफुल रमजान गुजरना है, कहीं भी कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं होने का है। इसके साथ हमारे होम मिनिस्टर साहब बात करेंगे। सलीम साहब, तमाम ऑफिसर्स आज मीटिंग तो लिए, जैसा कि अभी हमारे जोनल कमिश्नर साहब को लेके, क्योंकि मैं मेरे हलके के तमाम जो भी वर्क्स हैं मैं ऑलरेडी लेटर दे चुका हूं। अभी हमारे दोनों कमिश्नर बोले कि अभी टेंडर कॉल नहीं किए, 22 को टेंडर कॉल होंगे। हमेशा हर साल जो भी रमजान के महीने से पहले आप लोगों को जो प्रपोजल देते, मैं जहाँ तक समझता हूं कि रमजान ख़त्म होने के बाद भी 2-3 महीने तक भी वो काम नहीं होते। मेरी हमारे मिनिस्टर साहब के जरिए आपसे गुजारिश है कि आप जैसा बार 22 को टेंडर कॉल कर रहे हैं, रमजान स्टार्ट होने से पहले वो काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। और जैसा हमारे वाटर एमडी साहब है, एडिशनल टैंकर लगाना जरूरी है, क्योंकि खुसूसकर पुराने शहर के जो पुराने मस्जिद हैं उन मस्जिदों के अंदर हौज रहते हैं, रमजान के महीने में रमजान शुरू होने से पहले वो हौज खाली करके हौज को फिर फिल करने के लिए तमाम टैंकर्स के जरिए भी फिल किए जाते हैं। तो एडिशनल बड़ा मसला उनकी पार्किंग का है, अगर जब तक वो बैरिकेड्स कम से कम रमजान के महीने के अंदर वो थोड़े से बैरिकेड चारों तरफ से अगर हटा दिए तो वहाँ पे पार्किंग की सहूलत होगी, वरना सराउंडिंग के अंदर कहीं भी पार्क करने के लिए किसी भी किस्म की ना कोई पार्किंग लॉट है ना कोई पार्किंग की सहूलत है। तो मैं मिनिस्टर साहब के जरिए हमारे ट्रैफिक के हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं अभी पाशा बोले के उनके साथ फिर के इंस्पेक्शन करके वो बैरिकेड्स हटवाए जाएंगे, क्योंकि जब तरावी के लिए और ईशा की नमाज के लिए जो मक्का मस्जिद में लोग आते हैं उनकी पार्किंग की सहूलत बेहद जरूरी है। जबरदस्त काम कर रहे हैं, लैंड ऑर्डर रहें दो, वाटर वर्क डिपार्टमेंट रहें दो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रहें दो, हर एक सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट ये 4 साल से अच्छा काम कर रहे हैं। और छोटे छोटे इश्यूज है वो इश्यूज हम लोग पूरे लेके हमारे जुबिलेंस कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं थोड़ा जो मस्जिद का अरेंजमेंट रहें दो, छोटा रिपेयर रहें दो, और ऐसा छोटे छोटे अरेंजमेंट में प्रेजेंटेशन जुबिलेंस कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं सेक्रेटरी साहब को तब से मैं रिप्रेजेंटेशन देना मिलके जो ना दवा करेंगे, क्योंकि इंतजाम का पूरा जायजा लेना है, क्योंकि इससे पहले अपन काम रमजान से पहले कंप्लीट होना बोले थे, वो कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक बार अपन जाके पर्सनली दौरा करेंगे। कैशन से तशरीफ फरमाए पीटीसीएम महोदय साहब और आई पर्सनली आपके सदारत में रमजान इंतजाम के लिए आए एमएलसी को और एमएलएस को और दूसरे आला अफसरों को और दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट अफसरों को, सूरत और सी एम अनवर अली खान साहब को और तारा किशोर साहब को, सबको मैं थोड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार रमजान इंतजाम में सी एम केसीआर साहब बहुत फिक्रमंद है, क्योंकि अलहदा तेलंगाना बनने के बाद आज तक वो 4 साल जो रमजान के इंतजाम थे बेहतरीन तरीके से हुए, और उसमें अफसर वो आला से अफसर से लेकर छोटा सा सरकारी इलाज तक हम पूरे पब्लिक नंबर से बहुत बेहतरीन साल बेहतरीन से रमजान में पूरे गुजरदार इसी तरह से पूरी खिदमत को अंजाम रखते हुए बहुत बहुत दिन आने के लिए आला अफसर होता है, पूरे एम एस सी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। रमजान पंडित संदर्भ में ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫీసర్లను పిలిపించి ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా రివ్యూ చేస్తాం,
కానీ ఈ సంవత్సరం స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే వన్ మంత్ బిఫోర్ ఈ యొక్క సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రతిసారి టైం సరిపోతలేదు, నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నా అక్కడ రోడ్డు రిపేర్ కానీ మస్జిద్ రిపేర్ కానీ లేక రిపేర్ అయిపోయి మంచిగా వాటర్ సప్లై కానీ కరెంట్ సప్లై కానీ రోడ్లు కానీ ఈ చెత్త చెదారం అంతా క్లీన్ కానీ వీటన్నిటికీ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని బడ్జెట్ శాంక్షన్ తీసుకొని కార్యక్రమాలు ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికి వీలైతుందని ఒక నెల మొదలే ఈరోజు పిలవడం జరిగింది. అందరూ ఎమ్మెల్యేలంతా వచ్చారు, సిటీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేస్ వారందరికీ ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా డిప్యూ సీఎం గారు మహమ్మద్ అలీ గారు, మరి అదేవిధంగా గారు, మరి డిప్యూ మేయర్ గారు, వీరందరూ కూడా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క భారతదేశంలో హైదరాబాదు చాలా ప్రసిద్ధి గాంచినటువంటి సిటీ, సెక్యులరిజానికి మంచి పేరు ఉన్నది హైదరాబాద్కు. ఇది 400 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నది. నిజాం పీరియడ్ నుంచి ఇక్కడ రంజాన్ నెల చాలా పవిత్రమైన నెల కింద భావించి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇస్సాల్ మీ రంజాన్ కి ఇంతజామాత్ రంజాన్ సేమైన ఖబర్ యా సెక్రటరేట్ మే మీటింగ్ బులాయి గయి జిస్మే తమామ్ పార్టీయో కి ఎమ్మెల్యే షరీక్ రహే ఔర్ ఖాస్ తౌర్ సే హమారే హోమ్ మినిస్టర్ నయనిమా నరసింహా రెడ్డి సాహబ్ ఔర్ వాగోడ్ కే చైర్మన్ సలీమ్ సాహబ్ ఔర్ సీఎం సాహబ్ కే జో అడ్వైజర్ హై ఏకే ఖాన్ సాహబ్ ఔర్ హమారే డిప్యూ మేయర్ ఫసీయుద్దీన్ బావా. క్యూంకి జహాన్ తక్ హో సకే హుకూమత్ యహీ చాహతీ హై కే కిసీ కా భీ ఫంక్షన్ హో, కోయీ భీ ఈద్ హో ఔర్ ఖాస్ తౌర్ సే రంజాన్ క్యూంకి ఏక్ దిన్ కి ఈద్ రహతీ ఏక్ మహీనా ముసల్సిల్ ఇబాదత్ కీ జాతీ హై, उसके लिए तमाम डिपार्टमेंट को अहदेदारों को यहाँ बुलाया गया था, जिसमें सबसे अहम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जीएसएमसी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंटों को जिन जिनका भी ताल्लुक रहता है. लैंड आर्डर भी बहुत अहमियत का हामिल है, उसके बारे में तफसीली तमाम एमएलए ने जिन जिनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी, जो जो चीज़ों की तकलीफ है वहाँ पर, उसके बारे में तफसीली जायजा लिया गया. और इस साल बहुत अच्छे इंतजाम किए जाएंगे. 5 करोड़ रुपये हमारे अनुकूल सीएम साहब ने अलहदा सेंक्शन किया है ये मस्जिदों की रिपेयरिंग के लिए. ये हैदराबाद के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी हिदायत दी गई है कि वहाँ के एमएलए को और वहाँ के अहम कायदीन को बुलाकर वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करें और वहाँ पर भी अच्छे इंतजाम किए. खासतौर से हमारे होम मिनिस्टर साहब को लेबर डिपार्टमेंट भी उन्हीं को आता है. जितने दुकाना थे यहाँ पर तेलंगाना के अंदर, जितने होटल हैं, उन तमाम को 24 घंटे खुलने रखने की इजाज़त दी गई है, ताकि रोजदारों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और खरीदारों को भी किसी किस्म की तकलीफ ना हो. और जीएचएमसी बहुत अच्छी तरह से एक्टिव काम करेगा. वाटर हाउस को भी पानी के बारे में तमाम अहदेदारों को हिदायत दी गई कि कहाँ पर भी तकलीफ ना हो. और जहाँ मस्जिदों के लिए जहाँ से भी अगर एक फोन आएगा, कोई लेटर आएगा, तो वहाँ फ्री पानी प्रोवाइड किया जाएगा. सलाम एरिया में तो पहले से प्रोवाइड किया जाता है. और तमाम जहाँ भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ के एमएलए या वहाँ के लोकल लीडर्स नुमाइंदगी करेंगे, तो क्योंकि पानी बहुत अहमियत की चीज़ है और रमजान में पानी का खर्चा भी ज़्यादा है. एमडी साहब से भी गुजारिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पर पुराने शहर में भी और अतराज के महलों में भी शहर हैदराबाद में मुकम्मिल पानी का अच्छा इंतजाम रहे. और पावर के लिए हमारे सीएमडी साहब भी यहाँ मौजूद थे. पावर भी बंद ना होने, कहीं पर भी ब्रेकडाउन ना हो, तकरीबन मैं समझता हूँ 51 या 52 से ज़्यादा मोबाइल जनरेटर लगाए जा रहे हैं. अगर किसी जगह का जनरेटर फेल हो जाए तो इमीडिएट वहाँ पर मोबाइल जनरेटर प्रोवाइड किया जाएगा. और जितने जो भी मस्जिदों की साफ़ सफाई और मस्जिदों के पास जो थैलियाँ दी जाती है, जो प्लास्टिक बैग दिए जाते हैं, वह वक्त पर शहर के साथ और इफ्तार के साथ जीएचएमसी को साफ करने की हिदायत दी गई. और जहाँ तक हो सके इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे इंतजाम ज़रूर किए जाएंगे. और हमारी जब से हुकूमत तेलंगाना स्टेट बनी है, हमारे आनेबोल सीएम साहब ने खासतौर से रमजान का अहतमाम बहुत अच्छी तरह से करते हैं. गिफ्ट पैकेज देते हैं, मस्जिदों में इफ्तार का अहतमाम किया जाता है, शायद इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती. और इस मरतबा जहाँ तक हो सके हमारे अहदेदारों ने एश्योरेंस दिया है कि हम अच्छे से अच्छी सर्विस देते हुए आपके जितने ज़रूरत है उसे तक मिल की जाएगी. थैंक यू. खर्चा होगा उसके लिए कोई बजट के लिए, रोड्स के लिए, अप्रोच के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, वो तो अपने तरफ से हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरफ से रहेगा. कि मस्जिदों के लिए चुनने के लिए दागदोजी के लिए छोड़ो 5 करोड़ रुपये से जो खुले रखना चाहते हैं
जिसके पास ग्राहक आता है व्यापार तो वही खोलेगा, अगर ग्राहक नहीं है तो वो तो ऑटोमेटिक बंद करेगा। मीटिंग के बाद आज के बाद जो भी काम होंगे इमीडिएट सैंक्शन किए जाएंगे, कलेक्टर को भेजा दिए जाएंगे, वहाँ जो भी छोटा छोटा रिपेयर होगा वो पूरा किया जाएगा। ऐसे जो खाली आप वेटरनरी डिपार्टमेंट जो एनेबल एथलेटिक मिस्टर साहब इतफाक से कोई काम पर है उनके कुछ जो दूध के मामले में दो चार चीजों का सेक्रेटरी साहब ने अश्योरेंस दिया है, वो कल परसों में उन लोगों को बुलाकर जो भी इंतजाम आते हैं उन लोगों से बात करके करवाए।